हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं अपने साथ गोल्डन टेंपल श्री हरमंदिर साहिब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सफ़र शुरू हुआ टाउन हॉल से, जो कि हॉल बाज़ार अमृतसर में है। यहाँ से गोल्डन टेंपल का जो डिस्टेंस है वो कुल 1 किलोमीटर है, और ये हम आज चल के ही यहाँ से गोल्डन टेंपल की ओर जाएंगे। यहाँ से 200 मीटर चलते ही आपको आगे मिलेगा परावांदा ढाबा, जो कि पंजाब में पंजाबी खाने के लिए बहुत ही फेमस है, जिसके साथ ब्रदर दा ढाबा भी है। यहाँ से गोल्डन टेंपल का डिस्टेंस सिर्फ 800 मीटर रह जाता है। यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगाए गए हैं डिस्टेंस के, जहाँ से आप यहाँ से गोल्डन टेंपल का डिस्टेंस देख सकते हैं। और चलो हम भी दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप गोल्डन टेंपल का जो रास्ता है उसको पैदल तय करें, रिक्शे को अवॉइड करें। यहाँ से आगे चलते ही हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का स्टैचू रास्ते में देखने को मिलता है। पैदल चलते हुए आप आसपास के बिल्डिंगों का और रास्तों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से जो गोल्डन टेंपल की ओर जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को और उस रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स को एक जैसा बनाया गया है। यहाँ से आपको गोल्डन टेंपल की ओर जाते हुए लोगों के ग्रुप दिखने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से आगे गोल्डन टेंपल का डिस्टेंस मात्र 600 मीटर रह जाता है। इस चौक में आगे जाते हुए आप इस चौक की खूबसूरती को देख सकते हैं। यहाँ पर सड़क को टाइलों से बनाया गया है, ना कि जो हम कंक्रीट की देखते हैं सड़कें, वैसी यहाँ पे नॉर्मल सड़कें आपको देखने को नहीं मिलती। और रास्ते में जाते हुए आपको दीवारों पे बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की स्क्रीन्स देखने को मिलेगी। इन स्क्रीन्स में आप सुबह और शाम को होने वाला अंदर का पाठ लाइव देख सकते हैं, जो कि दो भाषाओं पंजाबी और इंग्लिश में यहाँ पर डिस्प्ले होता है। इस चौक से आगे जाते ही जो अगला चौक है उसका नाम है महाराणा रणजीत सिंह चौक। इस चौक में महाराणा रणजीत सिंह अपने घोड़े पर सवार एक स्टैचू पे विराजमान है अपने सैनिकों के साथ। इस चौक को घोड़े वाला चौक भी कहते हैं, और यहाँ से मात्र गोल्डन टेंपल का डिस्टेंस 400 मीटर रह जाता है। यहीं से ही सीधा रास्ता जो है वो जलियांवाला बाग की ओर भी जाता है। जलियांवाला बाग की ओर जाते हुए आपको रास्ते में छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप पंजाबी कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सूट देखने को मिलेंगे, पंजाबी जुतियाँ देखने को मिलेंगी, और खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल्स आपको रास्ते में मिलेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी हैं, और आपको मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट जैसे स्टोर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। जलियांवाला बाग के बाहर आपको एक स्कल्पचर देखने को मिलता है, जिसे कि फेम ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं। इसमें जो जलियांवाला बाग में लोग शहीद हुए थे, उन्हें एक फ्लेम के रूप में दर्शाया गया है। इस स्टैचू को उनकी मेमोरी के रूप में ऐसे डिज़ाइन किया गया है, जैसे फ्लेम के बीच में काफ़ी सारे फेस लगाए गए हैं, और उनको श्रद्धांजलि दी गई है इस स्टैचू के द्वारा। यहाँ से गोल्डन टेंपल का रास्ता मात्र 200 मीटर ही रह जाता है। इस स्ट्रीट का नेम हेरिटेज स्ट्रीट है। इसके आगे हम हरमंदिर साहब पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आता है जोड़ागढ़। जोड़ागढ़ मतलब जहाँ पर आप अपनी चप्पलें, शूज़, सैंडल्स उतार के यहाँ पे जमा करवाते हैं, और उसके बदले आप यहाँ से टोकन लेते हैं। जोड़ागढ़ के साथ ही यहाँ पे एक अंडरग्राउंड डिजिटल सिख म्यूज़ियम निर्मित किया गया है। इस डिजिटल म्यूज़ियम में सिख इतिहास के बारे में और दरबार साहिब के बारे में बताया गया है। इसकी ड्यूरेशन 50 मिनट की है, जो कि आप वीडियो को पोस्ट करके अच्छी तरह से देख सकते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको ये ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इसका समय 9 बजे से 4 बजे तक का होता है। इसमें आपको 4 होल्स में ले जाके अलग अलग तरह से सिख इतिहास के बारे में समझाया और बताया जाता है और जानकारी दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए थे, इसलिए हम सबसे पहला शो नहीं देख पाए। बाकी हमने 3ों अटेंड किए हैं, जो आपको हम आगे दिखाते हैं इस वीडियो में। अंदर एक बहुत ही बड़ा 360, जिसमें जो प्रोजेक्टर लगे थे वो 360 में आपको सिख इतिहास के बारे में, कैसे दरबार साहिब बना, कैसे इसका निर्माण हुआ। सच दी ललकार सुनो लगे शाहानु जग ललकारी दा, फिर रब दे सच्चे नाम तो अपना। इसके बाद जो थर्ड गैलरी थी, उसमें हमें
एक बहुत ही सुंदर हरिमंदिर साहिब का मॉडल देखने को मिला, जो कि परिक्रमा के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित किया गया। इसके ऊपर हमें LED स्क्रीन में हरिमंदिर साहिब में डेली कैसे सुबह साफ सफाई की जाती है, कैसे पाठ शुरू किया जाता है, उसके बारे में बताया गया। श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर लखा करोड़ा नैणा लई आस अते विश्वास दी लो आत्मिक सहारा ते इलाही जागण दा सोमा कायनात वांग इथे भी रात दिन दे अठे पहर एक पावन मर्यादा विच सुरबद हन हर रोज रात दे तीजे पहर। चारों होल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। लास्ट वाले शो में हमें गुरबानी की कुछ पंक्तियों का मतलब समझाया गया। इस म्यूज़ियम में आपको सिख इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आपको इस शो को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इस शो को पूरा देखने के बाद फिर हम हरिमंदिर साहिब की एंट्रेंस की ओर बढ़े। एंट्रेंस से पहले एक बहुत ही सुंदर पानी का फाउंटेन एंट्रेंस गेट के बाहर ही निर्मित किया गया है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग फाउंटेन के साथ सेल्फीज ले रहे थे, और दोपहर के समय गोल्डन टेंपल का नज़ारा देखने वाला होता है। सूरज की रोशनी में गोल्डन टेंपल की एंट्रेंस बहुत ही अच्छी लग रही थी। श्री हरिमंदिर साहिब जी का निर्माण सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के द्वारा 1577 ईस्वी में किया गया था। हरिमंदिर साहिब पे मुग़लों और अफ़गानियों के द्वारा काफ़ी बार हमले किए गए और काफ़ी बार इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की गई, बट सिखों की बहादुरी और हौसले ने हरिमंदिर साहिब को हर बार उनसे बचा के रखा। जब महाराणा रणजीत सिंह जी का समय आया, जब सिख एम्पायर की स्थापना की पंजाब में, तब उन्होंने हरिमंदिर साहिब को दोबारा वाइट मार्बल के साथ 1809 ईस्वी में बनाया और 1830 ईस्वी में इसे सोने के साथ कवर किया। गोल्डन टेंपल के अंदर आने के लिए कुल आपको 4 दरवाजे देखने को मिलते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। हमने फाउंटेन का एक स्लो मोशन शॉट भी लिया था, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। रात के समय इस फाउंटेन में लाइट्स भी जलती हैं, जिससे ये फाउंटेन की खूबसूरती और निखरती है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर जाने से पहले हर किसी को अपने हाथ पैर धोने पड़ते हैं और सिर को ढकना पड़ता है। सिर को ढकना हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। अगर आपके पास सिर ढकने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपको अंदर जाने से पहले ही सिर ढकने के लिए रुमाल मिल जाएंगे, आप उनसे अपना सिर ढक सकते हैं। अंदर जाते ही आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी में गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती और निखर रही थी। हमने देखा कि अंदर आते ही लोग सबसे पहले अपना माथा टेकते हैं हरिमंदिर साहिब के आगे। हमने भी ऐसा ही किया, हमने भी हरिमंदिर साहिब के आगे माथा टेका और अपने अपने परिवार और समाज के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। यहाँ के सरोवर की भी अपनी ही एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के सरोवर में स्नान करने से लोगों के अगर शरीर में कोई रोग हो, कोई स्किन प्रॉब्लम हो, तो वो दूर हो जाती है। दुनिया के कोने कोने से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक राजा था जिसकी 5 पुत्रियाँ थीं। जब वो राजा अपनी 5 पुत्रियों को पूछता है कि हमें खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए तुम सबको कौन देता है, तो उसमें से 4 पुत्रियाँ अपने पिता का नाम लेती हैं कि आप हमें खाने पीने रहने के लिए सब कुछ देते हैं, बट 5वीं पुत्री
कहती है कि हमें जो भी रहने खाने पीने के लिए मिलता है वो भगवान से मिलता है। इससे वो राजा नाराज हो जाता है और नाराजगी में वो अपनी पुत्री का विवाह एक घोड़े से करवा देता है। उसकी पुत्री खुशी खुशी अपने पिता की बात मानकर उस घोड़े से विवाह कर लेती है। उस घोड़े के पास कोई नहीं आता था क्योंकि उसके शरीर पर कोढ़ था और सभी उसे घृणा करते थे, पर अपने पिता की आज्ञा मान के वो शादी करने के लिए राजी हो जाती है और उसके साथ रहने लग पड़ती है। और ऐसा कहा जाता है कि दरबार साहब के सरोवर में नहाने से उस व्यक्ति का कोढ़ जो है वो ठीक हो गया था, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं, अपने दुख दर्द शरीर के रोग दूर करने के लिए यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ पे एक बेरी का वृक्ष है जिसे दुख पंजनी बेरी भी कहा जाता है। लोग इस बेरी को पूजते हैं, यहाँ पे नमक और झाड़ू भी चढ़ाते हैं। नमक के पैकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और झाड़ू भी देखने को मिलेंगे जो कि आम लोगों के द्वारा यहाँ पे चढ़ाए गए हैं। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए वो भगवान से ये चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। कोई भी इसका फल या टहनी कुछ भी तोड़ता नहीं है। लोग घंटों घंटों यहाँ पे बैठे रहते हैं इसी उम्मीद में कि ऊपर से कुछ फल, कोई पक्षी अगर ऊपर से निकल के जाए तो ऊपर से कोई टहनी कोई पत्ता गिरे और वो उसे अपने घर लेके जा सके। इसके साथ ही आपको लंगर हॉल की ओर जाने वाला रास्ता मिलता है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु डेली आते हैं और यहाँ पे लंगर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहाँ पे सालों से लंगर की सेवा हर श्रद्धालु के लिए फ्री में की जा रही है, तो आइए हम भी लंगर हॉल की ओर चलते हैं। लंगर हॉल की ओर जाते और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्लेट्स पड़ी हैं। ये प्लेट्स आपको पंजाब में ही देखने को मिलेगी, 3 कटोरियों वाली। अंदर जाते हुए हमें सबसे पहले प्लेट मिली, फिर हमें कटोरी मिली पानी के लिए या सब्जी के लिए, फिर हमें चम्मच मिला। अंदर जाने से पहले आपको पैर धोने पड़ते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे भीड़ नहीं थी इस टाइम, बल्कि जबकि हम बाहर आए थे तो बाहर काफ़ी लोग पंक्ति में इंतज़ार कर रहे थे अंदर जाने के लिए, बट हमें जाते ही सीधे अंदर एंट्री मिल गई क्योंकि हॉल खाली था। जो लंगर सिस्टम है वो पंगत में बिठा के सबको एक साथ खिलाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई अमीर हो कोई गरीब हो कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, सभी एक ही पंगत में बैठ के एक ही टाट पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। इसे आप यहाँ का प्रसाद समझ के ग्रहण करें। आज जब हम यहाँ पे आए हैं हमें यहाँ पे दाल मिली खाने के लिए, रोटी मिली, मीठे में खीर थी, सूखी सब्जी भी थी और चावल भी थे। हमने सिर्फ दाल रोटी और खीर ली। आपको कहीं भी उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पंक्ति में बैठे बैठे ही सभी सेवादार आपको सभी खाने की वस्तुएं उपलब्ध करवा देते हैं। बैठे बैठे ही आपको सब्जी रोटी वहीं पे ही मिल जाएगी। आप चाहें तो सेवादार से बात करके खुद भी लंगर में सेवा कर सकते हैं। बाहर जाते हुए आपसे बर्तन ले लिए जाते हैं जो कि आगे धोने के लिए भेज दिए जाते हैं, और ये भी आम लोग ही होते हैं जो यहाँ पे दर्शन के लिए आए होते हैं, वही यहाँ पे सेवा करते हैं बर्तन धोने की। खाने खाने के बाद हम बाहर आए और बाहर थोड़े समय के लिए बैठ गए और हनुमंदिर साहिब को निहारा। त्योहारों के समय पर यहाँ पर संख्या 2 लाख से 5 से 6 लाख तक भी श्रद्धालुओं की प्रतिदिन में चली जाती है। थोड़ा आगे जाके हमें परिक्रमा में बाबा दीप सिंह जी का शहीदी स्थल मिला। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे उनका सर आके गिरा था, मुगलों के साथ युद्ध करते हुए उनका जो शरीर था वो अमृतसर में स्थित शहीदा साहब करके गुरुद्वारा है, वहाँ पे इनका बाकी का शरीर लड़ते लड़ते शहीद हुआ था और वहाँ से इन्होंने अपना सिर को फेंका था जो कि दरबार साहिब की परिक्रमा में इस स्थान पर आके गिरा था, और इसकी भी लोग पूजा करते हैं और यहाँ पे भी पाठ चलता रहता है।
अगर आप प्यासे हैं तो हरमंदिर साहिब के हर कोने में आपको जल मिल जाएगा पीने के लिए, वहाँ से आप जल पी सकते हैं। और परिक्रमा में बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं, जहाँ पे अंदर जो पाठ होता है वो 24 घंटे चलता रहता है दो लैंग्वेजेस में, पंजाबी और इंग्लिश में। पंक्तियाँ वहाँ पे डिस्प्ले होती रहती हैं। फिर थोड़ा आगे जाके हरमंदिर साहिब में अंदर जाने के लिए जो पंक्ति थी वो काफ़ी लंबी थी और 2 घंटे की कम से कम वेटिंग थी। तो अंदर जाने के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ना था, इसलिए अंदर जाना हमने अवॉइड किया। और जो अंदर नहीं जाना चाहते और प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बाहर से एक छोटी पंक्ति भी होती है, वहाँ से वो बाबा जी से कड़ाह का प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ का कड़ाह का प्रसाद देसी घी में बनाया जाता है और इसके सामने स्टॉल्स भी हैं जहाँ से आप खरीद कर यहाँ पे प्रसाद को चढ़ा भी सकते हैं। ये कड़ाह प्रसाद आपको हर गुरुद्वारे में देखने को मिलेगा, जो कि आटे में बनाया जाता है। यहाँ के सरोवर में आपको मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखकर यहाँ पे आए बच्चे बहुत खुश होते हैं। हरमंदिर साहिब में आप पूरा समय लेके अपनी आँखों को अच्छी तरह से निहारने दें हरमंदिर साहिब को, तभी आपको इसकी सुंदरता का अनुमान चलेगा। इसके सामने ही आपको अकाल तख्त देखने को मिलता है, यहाँ से ही हरमंदिर साहिब की ओर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ले जाया जाता है और वापस उनको यहीं पे विराजमान किया जाता है। यहाँ पे शस्त्र भी रखे गए हैं जिनकी रोजाना पूजा होती है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए यहाँ पे हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। अंदर यहाँ पे भी आपको कड़ाह प्रसाद मिलता है खाने के लिए बाहर आते ही। बाहर आते ही आपको 2 झंडे मिलते हैं, नीरी और पीरी, इनकी भी बहुत मान्यता है। यहाँ पे भी लोग माथा टेकते हैं, आप भी यहाँ पे माथा ज़रूर टेकें। बाहर आकर कुछ आगे चलते ही हमें एक और वृक्ष देखने को मिलता है, इस वृक्ष के बारे में ऐसे कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही वीर बाबा बुड्ढा जी ने निगरानी रखी थी जब श्री हरमंदिर साहिब जी के सरोवर की खुदाई की गई थी। वो बाबा वीर बुड्ढा जी ही थे जो श्री हरमंदिर साहिब जी के पहले ग्रंथी थे, वो भी 1604 ईस्वी में। बाबा बुड्ढा जी का नाम पहले भूरा हुआ करता था। एक समय की बात है जब श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम था भूरा। भूरा ने जब श्री गुरु नानक देव जी से कुछ सवाल पूछे और उनका उत्तर उनसे मांगा, तो उसके सवाल सुनकर गुरु नानक देव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ही उसका नाम बुड्ढा रख दिया। बुड्ढा पंजाब में बूढ़ों को कहा जाता है, क्योंकि वो लड़का तब आयु में काफ़ी छोटा था और उसकी जो बातें थी वो बड़े बुजुर्गों वाली थी, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उसे बुड्ढा कह के संबोधित किया। उसके बाद उस लड़के को भूरा से बाबा बुड्ढा जी कहने लग पड़े लोग। इस वाक्य से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह पेड़ कितना पुराना है। तकरीबन 420 साल पुराना ये पेड़ है। इतना पुराना होने की वजह से इसकी जो जड़ें हैं उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, जिसके कारण इसे एक लोहे के सिकंजे से सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे भी हम कुछ समय के लिए बैठ गए। बाहर जाने से पहले कुछ समय के लिए हमने फिर से श्री हरमंदिर साहिब जी की खूबसूरती को निहारा। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पे जल्द ही आएंगे। जिस दरवाजे से हम यहाँ अंदर आए थे उसी दरवाजे से अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके भी जोड़ागढ़ के पास हम थोड़े समय के लिए बैठ गए थे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।